हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये जेट प्लांट है। इसका पौधा घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। देखिए इसकी लीव्स, देखिए ये बहुत मोटी मोटी रहती हैं। हार्डी प्लांट है ये। इसके लिए मिट्टी आप वेल ड्रेन्ड रखिए। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसकी मिट्टी, देखिए इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा रहती है जिससे इसमें पानी ना रुके बिल्कुल भी। देखिए ये वाला मेरा पॉट सीढ़ियों के पास रखा हुआ था तो इधर की तरफ साइड से धूप नहीं आती थी। बाकी देखिए ये इस तरीके से, ये चारों तरफ तो एकदम घना है लेकिन जिस एरिया में धूप नहीं आई है, इस पौधे को धूप नहीं लगी, उस जगह इसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। देखिए अदरवाइज इसकी डंडी को थोड़ा सा भी मिट्टी में आप दबा दें तो वहीं से ही प्लांट नया तैयार हो जाता है। इसकी मिट्टी के लिए आप 40% रिवर सैंड और 30% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या गोबर की खाद ले सकते हैं, गाय के गोबर की, इस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार करें। इसमें पानी बहुत कम दें, देख कर दें कि इसमें मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। एक बार पानी देने के बाद में ये देखें, चेक करें कि इसकी मिट्टी एकदम सूख जाए तभी पानी दें। क्योंकि देखिए इसकी लीव्स दिखाती हूँ मैं आपको अभी। देखिए जैसे ये लीव है इसकी, इसको आप तोड़ के देखिए, इसमें गीला हो गया मेरा एकदम हाथ। देखिए देखिए ये पानी है बिल्कुल इसमें, तो इसकी लीव में पानी रहता है तो इसमें पानी आप कम ही दें, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको फुल धूप में रखें आप, जितना धूप लगेगी इसको उतना ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। देखिए अब ये सर्दियों में मेरे यहाँ धूप कम आती है तो अब सितंबर के बाद से ही मेरे यहाँ धूप बहुत कम आने लग जाती है। तो इसकी ये देखिए, ये स्टेम देखिए, ये इस तरह से लगी सी हो जाती हैं और अदरवाइज़ ये बिल्कुल घनी रहनी चाहिए थी। ऐसे जब धूप इसको अच्छे से लगती है तो ये इसी तरीके से घनी रहती हैं। इसमें आप बहुत खाद की आवश्यकता नहीं है, लिक्विड खाद बना के रखती हूँ मैं तो अधिकतर पौधों को मैं वही देती हूँ। हर 15 दिन बाद मैं अपने सभी पौधों को लिक्विड खाद देती हूँ। इसकी प्रोपेगेशन बहुत आसान है। आप इसकी कोई भी डंडी लीजिए, छोटी से छोटी डंडी भी लग जाती है इसकी। देखिए जैसे ये इसकी, यहाँ से तोड़ लीजिए इसको और इसको इस तरीके से मिट्टी में होल करके और ऐसे लगा दीजिए। बहुत सिंपल है इसे ग्रो करना। देखिए एक और लगा के दिखाती हूँ मैं। यहाँ से तोड़ के इसकी नीचे की लीफ साफ कर लीजिए जो मिट्टी में दबाई जाएंगी, और देखिए मिट्टी में ऐसे उंगली से घोल कीजिए और इसकी डंडी को इस तरीके से दबा दीजिए। इस तरीके से इसकी प्रोपेगेशन होती है। देखिए मैंने ये छोटे से पॉट में इसकी प्रोपेगेशन की थी। ये डंडी मैंने छोटी सी लगाई थी। देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। बस इसको आप फुल धूप दें, सनलाइट पूरी मिले अगर मिले से तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। एक बार बस इसे आप नर्सरी से ले आइए, इसके बाद में इसकी छोटी छोटी कटिंग काट काट कर आप लगा दीजिए मिट्टी में। बस पानी का ही ध्यान रखें और ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देखने में भी सुंदर लगता है। देखिए छोटी छोटी सी लीव्स हैं इसकी। थैंक यू फ्रेंड्स।